रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप एंड अ फ्रेजनल डिस्टेंस। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक वेवलेंथ है, लैम्डा गिवन है। व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप, मैंने लिखवा दिया था, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होती है, डी थीटा, बस। तो फॉर्मूला में कुछ करना ही नहीं है, 1.22 लैम्डा बाई डी है, लैम्डा आपको पता है, डायमीटर आपको पता है, इंच में पता है, तो आप इंचेस को 2.54 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें पहले और फिर अपना आंसर रेडियस में निकाल लें। बस मेरे को ये बताना है कि रिजॉल्विंग पावर के अंदर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन किसे बोलते हैं। जैसे टेलीस्कोप इज यूज टू रिजॉल्व टू स्टार्स सेपरेटेड बाय इतने रेडियस। अब टेलीस्कोप में एंगल क्या होता है, डी थीटा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। वेवलेंथ आपको पता है, व्हाट इज द अपर्चर, अपर्चर का मतलब डायमीटर ऑफ लेंस क्या है। तो फिर से यही फॉर्मूला लगा के, इस बार डी थीटा पता है, लैम्डा पता है और डायमीटर कैन बी कैलकुलेटेड आंसर है। कुछ भी नहीं करना, बस एक बार टर्म बता रहा हूँ कि कैसे यूज होती हैं, फॉर्मूला तो एक ही है। एज्यूमिंग द डायमीटर ऑफ आई प्यूपिल टू बी, तो डायमीटर अपर्चर कैपिटल डी या ए पता है, स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन निकालनी है, एंगुलर सेपरेशन या लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एक ही बात है, डी थीटा निकालने आंसर। फॉर्मूला तो एक ही है, मेरे पास कुछ नहीं है बताने के लिए अंदर सॉल्यूशन में, नाम चेंज करे जा रहा हूँ, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, एंगुलर सेपरेशन, ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे ये देखो, सबसे खतरनाक न्यूमेरिकल ये आएगा अगर कंपटीशन में आ गया, कैसे, फॉर्मूला तो कुछ भी नहीं है इसमें करने वाला। कैलकुलेट डिस्टेंस दैट अ बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ कैन ट्रेवल विदाउट सिग्निफिकेंट ब्रॉडनिंग। अब ये वर्ड देखो, सिग्निफिकेंट ब्रॉडनिंग, ब्रॉडनिंग ज़्यादा नहीं हो पाई या हो पाई, फ्रेजनल का टॉपिक है, वही ये बातें करता है कि ब्रॉडनिंग ज़्यादा या ब्रॉडनिंग कम है, जिससे रे और वेव ऑप्टिक्स डिसाइड होता है। तो नाम नहीं लेगा फ्रेजनल, अगर नाम ले दिया फिर तो तुम्हें रटा पड़ा है फॉर्मूला, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल में कि फ्रेजनल का टॉपिक था। लेकिन उनको पता है जो ये बातों को समझते हैं, विदाउट सिग्निफिकेंट ब्रॉडनिंग या फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एक लाइट फॉर अ गुड अप्रोक्सीमेशन। अब ये क्या चीज़ है, रे ऑप्टिक्स इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन, मतलब कि रे ऑप्टिक्स वैलिड है, यानी कि फिर डिस्टेंस फ्रेजनल डिस्टेंस है, क्योंकि रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है, वो डिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल डी। तो अल्टीमेटली आपको फ्रेजनल डिस्टेंस ही निकालना है दोनों केस में। बट बात वो नहीं है कि फ्रेजनल का फॉर्मूला सबको याद होगा, पर रिकॉग्नाइज करना सिग्निफिकेंट ब्रॉडनिंग, रे ऑप्टिक्स इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन, ये जो वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, बताते हैं कि फ्रेजनल का टॉपिक है। जैसे लाइट ऑफ वेवलेंथ डिफ्रैक्टेड, अब ये तो बड़े लोग खुश हो जाते हैं, अच्छा डिफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल आ गया, अब ये नहीं पता ना कि करना गया डिफ्रैक्शन न्यूमेरिकल में। तो इसमें फॉर व्हाट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिफ्रैक्टेड बीम डज स्प्रेडिंग, जब भी वर्ड स्प्रेडिंग आएगा समझ लेना फ्रेजनल का टॉपिक है। स्प्रेडिंग ड्यू टू डिफ्रैक्शन बिकम्स ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ द अपर्चर। हमने फ्रेजनल निकालते हुए क्या किया था, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल डी, इसका मतलब फ्रेजनल का टॉपिक है, और रे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कैपिटल डी, कैपिटल डी का सॉल्यूशन एक ही है सबका, एक ही सॉल्यूशन है, बस क्वेश्चन चेंज होते जा रहे हैं, और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं समझ में आ रहे हैं यहाँ तक। तो ये इसका तरीका है, जैसे लाइट की वेवलेंथ है, अपर्चर गिवन है, कैलकुलेट डिस्टेंस अप टू विच अ लाइट कैन ट्रेवल, फिर से एक बार कैपिटल डी, सच दैट इज स्प्रेड इज लेस देन साइज ऑफ अपर्चर, फिर वही चीज, स्प्रेड अपर्चर स्मॉल डी के बड़ा छोटा कैसा भी है तो फ्रेजनल निकालना है। ठीक, तो ये टेक्निक है इसको बताने की, ये डिफ्रैक्शन का नॉर्मल न्यूमेरिकल है, इसमें कुछ करना नहीं है।